नमस्कार, मैं हूं सूरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा बुलेटिन। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई और बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक के बाद बोले सीएम मनोहर लाल, सीईटी परीक्षा एमबीबीएस छात्रों के धरने पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सड़कों के संबंधित भी जो दिक्कत हो रही थी उस पर भी बात हुई है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आपको बता दें कि लगातार जो दिक्कतें थी उसको लेकर हर एक बिंदु पर बातचीत हुई है। सड़कों के विवाद, आयुष्मान कार्ड के विषय पर भी चर्चा हुई। और इसके अलावा बात करें, हरियाणा में 21 नवंबर से आयुष्मान कार्ड की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण में टेस्ट होंगे और इस पर चर्चा हुई है। सीएम ने यह बयान दिया है और बता दें कि अभी बीपीएल को पहले चरण में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है फिर स्टूडेंट का करवाएंगे टेस्ट। सीएम ने अपने संबोधन के दरमियान मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम बातें कही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से जुड़ी। आपको बता दें कि 27 लाख परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ। मुख्यमंत्री ने अपने बयान के दरमियान ये बातें कही हैं, सरकार देगी बीमा का किश्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पहले 15 लाख परिवारों को मिलता था लाभ, लेकिन अब 27 लाख परिवारों को मिलेगा। प्रदेश में बढ़ेगा आयुष्मान योजना का दायरा और जिससे लोगों को ज्यादा लाभ होगा। प्रदेश में सड़कों के विवाद को सुलझाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने बयान के दरमियान ये बातें कही हैं। जो सड़कों को लेकर विवाद होता था उसको खत्म किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात हुई है, सरकार देगी बीमा की किश्त। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहले 15 लाख परिवारों को मिलता था लाभ, सीएम ने ये कहा है अपने संबोधन के दरमियान। मीडिया से मुखातिब जब हुए तो ये तमाम बातें उन्होंने रखी थी। अब हर एक बिंदु पर हरियाणा की सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में सड़कों के विवाद को सुलझाने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत का बड़ा प्रोजेक्ट होम लेने जा रहे हैं, 21 तारीख को उसका प्रारंभ कर रहे हैं कि अभी तक 1,20,000 रुपए की जिनकी इनकम थी केंद्र सरकार की ओर से, उन्हीं को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है सारे देशभर में जैसा है। हमने उसमें अपनी ओर से इस राशि को 1,80,000 रुपया करवाया है, जो हमारा परिवार पहचान पत्र के हिसाब से बीपीएल की लिमिट है। इसके अंदर और एक लगभग 12 लाख परिवार और जुड़े हैं। इन सब परिवारों का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार देगी। केंद्र सरकार की ओर से जो पहले 15 लाख 15.5 लाख की लिमिट है वो रहेगी। अब 27 लाख परिवार ऐसे हो जाएंगे जिनको ये लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत हम करेंगे 21 नवंबर को। मित्रों, आज विधायक दल की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एमबीबीएस छात्रों के धरना पर सरकार ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। एमबीबीएस छात्रों के धरने पर सरकार ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुई एमबीबीएस छात्रों पर चर्चा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, बैठक में बॉन्ड पॉलिसी पर चर्चा हुई है। लगातार छात्र धरना दे रहे थे जिसको लेकर सरकार ने अब संज्ञान लिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में एमबीबीएस छात्रों पर चर्चा हुई है। बैठक में बॉन्ड पॉलिसी पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो बैठक में बॉन्ड पॉलिसी पर चर्चा हुई है। छात्रों को जो लगातार धरना दे रहे हैं उनके विषय में चर्चा की गई है। एमबीबीएस छात्रों के धरने पर सरकार ने संज्ञान लिया है। किसी तो व्यक्ति को कोई पैसा नहीं देना, किसी उनके माँ बाप को परिवार को नहीं देना, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देना, किसी सरकार में जब तक नौकरी वो कर रहे हैं तब तक उनको नहीं देना। केवल वो प्राइवेट नौकरी में, यदि सरकारी नौकरी की बजाय वो जाते हैं, और प्राइवेट नौकरी भी जिसमें सरकारी नौकरी से जो उसको पैसा मिलता है उससे ज्यादा उनको मिलता है, उस केस में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। प्रारंभ में चले जाएंगे तो 7 साल, बीच में चले जाएंगे तो 7 साल में बचा हुआ जो पीरियड है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का जो फीस का ये पैसा जो बॉन्ड करवाया जाएगा ये सरकार पे करेगी। सरकार भी बैंक से चाहेगी तो उनका लेगी,
अगर मानो वो सरकारी नौकरी करते रहते हैं तो केवल बॉन्ड रखा हुआ है उसका उपयोग भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम उपयोग करते हैं तो जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब तक सरकार उसकी पेमेंट करेगी, और जिस दिन वो छोड़ के प्राइवेट नौकरी में जाएंगे उस दिन उसकी किस्त उसको देनी है, परिवार को नहीं देनी, किसी गरीब को नहीं देनी। और जब डॉक्टर कोई अच्छी प्राइवेट सैलरी में जाता तो सरकार से लगभग डबल पर जाता है, तो उस नाते से हम ये चाहते हैं कि ये लोग सेवा करने के भाव से सरकार की नौकरी 7 साल करें, उसके बाद कहीं जाए। सेवा भाव, ये सरकार जैसे वेलफेयर की स्कीम चलाती है वैसा डॉक्टर भी रहना चाहिए कि 7 साल नौकरी सरकारी, वो जितना कम करेंगे उतना उसकी किस्त बढ़ जाएगी। 7 साल ऐसे रखा है कि इतनी नॉमिनल किस्त उनको बने जिसको वो आसानी से दे सके। अगर कोई एक साथ पैसे जमा करा के जाना चाहता है तो पहले से नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो विधायकों को बैंक से भी लेने, तो विधायक दल की बैठक में स्वास्थ्य सर्वेक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो मेडिकल टेस्ट है सबके, उस प्रकार की योजना भी 29 नवंबर से शुरू कर रहे हैं कि हर किसी नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच के प्रारंभिक टेस्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे और उनको एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा ताकि कहीं भी शारीरिक दृष्टि से उसका कोई डॉक्टर है या कहीं उसका चेकअप होना या उसको कोई इलाज के लेके जाना उसको वो देख सके। वर्ष में एक बार सबका ये टेस्ट हुआ करेगा, अभी वो भी हमने बीपीएल के लोगों का रखा है, दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी जो बाकी बच जाएंगे उनका भी कराएंगे, तीसरे चरण में बाकी जो नागरिक है उनका भी सबका कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आबादी यानी उसका ये टेस्ट जो है ये एक बार हो। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या लगेगा उसका हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के विचार कर रहा है, और प्रारंभ इसका अपने जो राष्ट्रपति महोदय है 29 नवम्बर को कुरुक्षेत्र में इसका प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार की कुछ योजना सारी है जिसके लिए करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साक्षी शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। साक्षी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण को लेकर बढ़ावा देने की बात की, तमाम बिंदुओं पर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की है, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या कुछ जानकारी? आपको जिस तरह बता दें कि आज एक विधायक दल की मीटिंग थी बीजेपी की जो बुलाई गई थी, और इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब मीडिया से बातचीत की इस दौरान उन्होंने बताया कि आज की इस मीटिंग में कई सारे विषय थे जो चर्चा में आए, जिस तरह प्रदेश में जो भी तत्कालीन विषय प्रदेश में जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उन सभी को लेकर बातचीत की गई, जिस तरह जो सीटी टेस्ट हुआ था उसका फीडबैक लिया गया, कुछ जगहों पर क्षेत्रों में जो सड़कों की स्थिति खराब है उसको लेकर बातचीत की गई, वही आगामी समय में आयुष्मान कार्ड जो बांटे जाने हैं उसे लेकर भी चर्चा हुई, सबको जानकारी दी और बताया कि 21 नवंबर को एक कार्यक्रम के जरिए सभी को ये जो आयुष्मान कार्ड है ये भी वितरित किए जाएंगे। जिस तरह आप बता रहे थे कि केंद्र की ओर से 15 लाख दिए जा रहे हैं लेकिन हरियाणा सरकार अपनी ओर से कुछ मिला के और टोटल कुल 27 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड जो है वो दिए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो उसके लिए एक अच्छा पहल जो है वो की जा रही है कि हरियाणा में 100% जो नागरिक है उन सभी की स्वास्थ्य की जो प्रारंभिक जांचें हैं वो भी सरकार के द्वारा करवाई जाएंगी। ये जांचें सभी जिलों में जो भी सीएचसी हैं पीएचसी हैं या सरकारी अस्पताल हैं डिस्पेंसरीज हैं वहां पर करवाई जाएंगी, और मोबाइल वैन्स भी जो है वो भी लोगों के घर घर तक भेजी जाएंगी, वहां से टेस्ट सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। इसमें पहले चरण में सभी जो भी पहले चरण में दूसरे चरण में और तीसरे चरण में तीन चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। पहले चरण में और दूसरे चरण में जिस तरह विद्यार्थियों को किया जाएगा, तीसरे चरण में जितने भी नागरिक बच जाएंगे उन लोगों का इसमें जो स्वास्थ्य की जांच है वो की जाएगी, जो ओल्ड एज लोग हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसकी जो जांच के जितने भी रिजल्ट होंगे उन्हें ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड में रखा जाएगा ताकि उसमें अगर उस मरीज को कुछ भी दिक्कत होती है वो अस्पताल जाता है तो उसकी जो हिस्ट्री है वो देखी जा सके और आसानी हो सके, इलाज करने में डॉक्टर्स को मदद मिल सके, इस संबंध में जानकारी दी। और इसका शुभारंभ भी जो है वो 29 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा उनके हाथों के द्वारा इस स्कीम का भी जो शुभारंभ है वो वो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में करवाया जाएगा, वो वहां पर
उस समय गीता महोत्सव के इनॉग्रेशन के लिए वहां पर पहुंचेंगी। तो आज की विधायक दल की मीटिंग में विधायकों को इस संबंध में जानकारी दी गई कि आने वाले समय में क्या स्कीम्स हैं जो कि जनता के बीच में लेकर जानी है, ताकि विधायकों को भी पता हो, विधायक भी अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से इस संबंध में बातचीत कर सके और सरकार उनको लेकर क्या कुछ कर रही है वो कर सके। और विधायकों से फीडबैक भी लिया गया कि उनके अपने क्षेत्रों में फिलहाल सरकार का क्या फीडबैक है, सरकार को लेकर लोग क्या सोचते हैं। और मुख्यमंत्री ने बताया कि जो विधायकों की तरफ से फीडबैक मिला है वो काफी अच्छा है और सरकार को लेकर लोग काफी पॉजिटिव मूड में नजर आ रहे हैं। जी साक्षी, ये भी खबर सामने आई कि स्टूडेंट जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, इसके विषय में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से MBBS के छात्रों का जो धरना है वो चल रहा है और इसको लेकर भी आज की इस मीटिंग में चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। और इस मीटिंग में कहीं यही बताया गया है कि इस मीटिंग में विधायकों को ये बताया गया कि जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनको भी सेवा का भाव रखना चाहिए। जिस तरह अगर एक हरियाणा एक वेलफेयर स्टेट है तो जिस तरह सरकार लोगों की सेवा करती है, ये एक ऐसा पेशा है जिसमें वो डॉक्टर्स बनते हैं कि लोगों की सेवा की जाती है। तो इसीलिए जब भी वो डॉक्टर्स बने तो 7 साल के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल में काम करना होगा, उसके बाद वो जाकर कहीं पर भी किसी प्राइवेट अस्पतालों में काम कर सकते हैं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं डॉक्टर्स तक जो MBBS के छात्र हैं उन्हें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ बातचीत की जा रही है, लेकिन फिलहाल बीच का जो रास्ता है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार यही चाहती है इसको फिलहाल इस जो निश्चित किया गया है 7 साल की जो समय सीमा निश्चित की गई है इसे फिलहाल कम करने को लेकर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, लेकिन जो छात्र हैं वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये जो समय सीमा है इसे कम किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए साक्षी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत